हेलो नमस्कार। अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे और आपके चैनल रोशन भारत में। जी हाँ, कोरोना के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। रेल प्रबंधक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के बाद 2 पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा के लिए चालू किया जाएगा। जी हाँ, लगातार हो रहे प्रयास, धरना और अनशन को देखते हुए आज दैनिक रेल यात्री संघ के संयुक्त सचिव सह लोजपा नेता रणधीर झा के अध्यक्षता में राजद नेता तहसीन आलम के संचालन में एक दिवसीय उपवास और धरना का कार्यक्रम किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 की वजह से रेलवे के द्वारा रोके गए पैसेंजर ट्रेनों को अब फिर से परिचालन शुरू किया जाए। स्टेशन के टिकट घर से मासिक सीजन टिकट और सामान्य टिकट का मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। हायाघाट स्टेशन पर जननायक एक्सप्रेस का ठहराव रद्द कर दिया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है और भेदभावपूर्ण है। इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। हायाघाट के लोगों का अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से रेलवे पर निर्भर है, अतः रेलवे का सभी तरह से परिचालन अविलंब शुरू किया जाना चाहिए। हमारी मांगे पूरी न होने की स्थिति में दैनिक रेल यात्री संघ समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। इस मौके पर यात्री संघ के सचिव राकेश कुमार तिवारी, रालोसपा अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, चंद्रवली झा, कैलाश मोची, माले नेता घनश्याम यादव, रामवृक्ष पासवान, लाल बाबू यादव, भाजपा नेता मोहम्मद अफजल, जदयू नेता नौशाद आलम, दीपांक झा समेत अन्य लोग भी सभा को संबोधित करते हुए रेल परिचालन को चालू करने का गुहार लगाया और रेल प्रबंधक द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले 2 दिन के बाद पैसेंजर ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा के लिए रवाना होगी। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।